ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने के पहले एक बार देख लेते कि संकेत कैसे हैं। तो देखिए, ग्लोबल संकेत तो अच्छे आशीष। एसजेएस निफ्टी अच्छा खासा 15,000 के माफ कीजिएगा ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल यूएस के मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी करीब 1.5% के आसपास का उछाल देखने मिला। तो वहाँ से भी संकेत जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी ठीक ठाक संकेत है। वहाँ डाउ फ्यूचर्स जो है अभी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। नैसडैक हालांकि यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट से संकेत इनको मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आज सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि हमारे यहाँ मंथली एक्सपायरी है जी। और कल जिस तरह से कोहराम मचा, नो डाउट आपको आखिरी में 1.5 घंटा जो है ट्रेडिंग करने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद आज जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी दिक्कत भरी होने वाली है। और प्रेडिक्ट करना आशीष आज काफ़ी मुश्किल है कि इंडियन मार्केट्स में होगा क्या। ग्लोबल संकेत आपको एक संकेत दे रहे कि हाँ आप तेजी के साथ खुलेंगे, लेकिन कौन से ट्रेडर्स का कहाँ पोजीशन अटकी हुई है, क्या स्क्वायर ऑफ कर पाए कल, नहीं कर पाए, क्या नई पोजीशन उनको लेनी है, इसके चलते आज वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली। तो प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। स्टॉक्स पर भी करें तो ज़्यादा अच्छा। और अगर आप स्टॉक्स में स्विंग्स देखिए, बिल्कुल 25-25, 30-30% चार्ट डिस्टॉर्ट हो गए। जिस तरीके से बीएसई के अगर आप चार्ट देखेंगे, हाई और लो के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा कि ब्रेकआउट हो लास्ट दौरान भी चार्ट देख रहा था, टिंग 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 बहुत अजीब टाइप के चार्ट थे, समझ में नहीं आया वो क्या रहा। और निफ्टी का फ्यूचर्स देखिए 15,500 तक पहुंच गया था। एग्जैक्टली, आई मीन तो काफी डिफिकल्ट है ये कहना। हाँ, ग्लोबल क्यूज एक बात है कि साफ साफ अच्छे दिख रहे हैं। आज ट्रेडिंग लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दर्शकों के लिए हमने एक काम आसान कर दिया। क्वालिटी का चेक लेकर हमने जो 20 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है वो तैयार है। शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने चुना है आरसीएफ को। कल दिन के दौरान यानी तकनीकी गड़बड़ी से पहले अगर देखा जाएगा तो बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। हालांकि फिर उसके बाद कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चार्ट का संकेत ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आगे जाकर एक बढ़िया सस्टेनेबल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट हो चुका है, तेजी बरकरार देखने को मिलेगी। 59 रुपए के लक्ष्य इंट्राडे पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 55 रुपए का। तो चलिए, आपने एक फर्टिलाइजर कंपनी के साथ शुरुआत की है, मैं भी एक फर्टिलाइजर कंपनी के साथ शुरुआत करता हूँ और वो है जीएनएफसी। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल फर्टिलाइजर स्पेस जो है वहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिल रही है। इनफैक्ट इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम भी बढ़े हैं, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आप इंट्राडे में खरीदारी करके चल सकते हैं। 265 के लक्ष्य के लिए 252 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है फ्यूचर्स का कैटेगरी, और फ्यूचर में आपको खरीदारी करना है दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक में। देखिए, कल शाम को जो खबर आई थी ना कि अब प्राइवेट बैंक्स जो है उनको भी कहीं ना कहीं सरकारी बैंक्स जो कामकाज करते थे, जो एक्सक्लूसिव सरकारी बैंक्स करते थे, वो प्राइवेट बैंक्स को भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एम्बार्गो हटाया गया है वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो सकता है पूरे ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के लिए। इसके लिए मुझे लगता है कि कल यहाँ पे कुछ तेज़ी देखने मिलती, आज वो तेज़ी जो है फिर से कंटिन्यू कर सकती है। और आईसीआईसीआई बैंक टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग लगता है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 660 के लेवल के लिए 630 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, फ्यूचर्स में मैंने भी खरीदारी वाला स्टॉक चुना है एस्कॉट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। खरीदने का कारण यह है कि डेली चार्ज पर अगर आप देखेंगे, वीकली चार्ज भी देखेंगे, तो आपको एक बेरिश स्ट्रक्चर नजर आएगा। लेकिन कल के सत्र में हमने देखा था कि थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली थी, और आज फर्दर क्योंकि बाजार का मूड माहौल बहुत सपोर्टिव है, खरीदारी की तरफ ही ज़्यादा कंफर्ट नजर आ रहा है। अगर एस्कॉट्स में आज तेजी आती है तो एक बेरिश स्ट्रक्चर जो है ना वो नेगेट होता नजर आएगा, और जब भी ऐसा होता है तब हम देखते हैं एक स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिलता है। 1342 रुपए के लक्ष्य लिए आप इंट्राडे पोजीशन लेंगे, 1297 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस के स्पेस से है, और यहाँ पर मैंने बैंकिंग स्पेस का बंधन बैंक के स्टॉक को चुना है। अन्य बैंकिंग स्टॉक्स के मुकाबले अगर आप देखें तो बंधन बैंक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन दोनों जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, इंडिया पुल्स हाउसिंग फाइनेंस और बंधन बैंक, दोनों के चार्ट के स्ट्रक्चर जो है बढ़िया नजर आ रहे हैं, और समझ में यही आ रहा है कि आज दिन के दौरान भी बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बंधन बैंक का जो 340 रुपए का कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं करीब 5.80 रुपए के लक्ष्य के लिए, और आप इसे हीरो जीरो ट्रेड समझ लीजिए। बन गया पैसा तो दिन में बड़ा पैसा बन जाएगा, नहीं तो आपका प्रीमियम चला जाएगा। ये इसी महीने का कॉल है, इसी महीने का ये एक्सपायरी, मतलब आज ही खत्म हो जाएगा जो होगा। चलिए ठीक है, आपको आशीष ने तो इसी महीने के एक्सपायरी का कॉल दिया, लेकिन मैं आपको अगले महीने की एक्सपायरी का कॉल दे रहा हूँ। वो है ओएनजीसी का मार्च का 115 का जो कॉल ऑप्शन है, वहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब कारण देखिए, कच्चा तेल $67 पे पहुंच गया। देखते देखते पता नहीं, मुझे तो आज भी याद आता है वो $38-40 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से किस तरह की गजब की तेज़ी देखने मिली, और ये तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है, सबसे बड़ी बात ये है। और हम आपको लगातार बता चुके कि $1 भी अगर कच्चा तेल चलता है तो उसके चलते ओएनजीसी जैसे कंपनीज के ईपीएस में करीब 2-3% के आसपास का इम्पैक्ट देखने मिलता है। लॉन्ग टर्म में तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन आज इंट्राडे में आपको ये काउंटर जो है फिर से तेज़ी दिखा सकते हैं। और वैसे भी सरकारी काउंटर जो है
आज काफ़ी हद तक फोकस में रह सकते हैं। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा 115 के कॉल ऑप्शन में 8.5 के लेवल देखने मिल सकते हैं, 6.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली एक काउंटर अच्छा लगता है वो है जस्ट डायल का। आज समझ में ये आ रहा है कि ये काउंटर जो है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है वो दिखाने के लिए तैयार है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिला था। इसके अलावा इस काउंटर में खबर भी आई है, कंपनी ने B2B प्लेटफॉर्म में JD मार्ट जो है उसको लॉन्च कर दिया है। होलसेल ट्रेड के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है ये B2B JD मार्ट जो है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है इससे मुझे याद आता है इंडिया मार्ट इंटरमेश, तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लीमेंट करता है ये कारोबार, तो उसका इम्पैक्ट। और आपने देखा है कि इंडिया मार्ट इंटरमेश को किस तरह के वैल्यूएशन मिले और किस तरह के इस कंपनी को फायदा हुआ था पूरे लॉकडाउन में, तो उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से आज जस्ट डायल में भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा 660 के लक्ष्य के लिए, 630 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है हुड को, लंबे समय से स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, इनफैक्ट हर निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिल रही है। मुझे याद आता है कि IPO के बाद से काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जो स्टॉक में फंसे हुए हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक पोजिशनल तौर पर एक उन्हें एक एग्जिट मिलेगा, लेकिन जिनके पास हुड को नहीं है वो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, बड़े ब्रेकआउट की संभावना है। 63 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और लगभग 9 महीने से लेके 12 महीने यानी एक साल भर का आपको समय देना है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया, फंडामेंटल्स बढ़िया हैं, खरीदारी करेंगे हुडको में। अगली कैटेगरी है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने चुना है सरकारी माइनिंग कंपनी मॉइल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर शानदार है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक फंडामेंटल्स भी अगर आप देखें तो अभी तक अन्य माइनिंग कंपनीज के मुकाबले स्टॉक ने इतना परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन 6 से 9 महीने का समय देंगे, स्टॉक 209 के पार जाएगा, खरीदारी करेंगे मॉइल में। चलिए, फंडामेंटली मुझे पसंद आता है दीपक फर्टिलाइजर का काउंटर। वैसे भी जिस तरह से इनके कंपनी के प्रोडक्ट के दाम बढ़े उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है। इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा 174 के लक्ष्य के लिए, 165 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं निवेश की, तो निवेश आपको करना है SBI कार्ड्स में। देखिए, काफ़ी दिनों से लोग इस स्टॉक को अब इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये स्टॉक कहाँ चला गया, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये 1000 रुपये के ऊपर टिका है, उसके नीचे जाने को तैयार नहीं। मुझे याद है इसके पहले मैंने 500-700 के लेवल पे भी आपको 1000 रुपये के टारगेट दिए थे। अब मेरा अगला जो टारगेट इस काउंटर पे है वो है 1300 रुपये का। आपको अगले 4 महीने में ये काउंटर जो है वो 1300 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। देखिए, फंडामेंटल स्टोरी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो है वो आपको जल्द देखने मिलेगा और 1300 के लेवल की तरफ ये काउंटर जो है वो जल जा सकता है। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है DCB बैंक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पूरा अब जो मूड माहौल है ना वो छोटे बैंकिंग के फेवर में आता नजर आ रहा है। DCB बैंक टेक्निकल स्ट्रक्चर शानदार हो, मैं मान रहा हूँ कि एक बढ़िया सस्टेनेबल तेजी देखने को मिल सकती है। जब तक स्टॉक 95 के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 95 के नीचे जाए तब आप अपनी पोजिशन काटिए, लेकिन जो लक्ष्य लंबी अवधि और पोजिशनल तौर पर मुझे नजर आ रहा है वो करीब 157 रुपये का है, खरीदारी करेंगे DCB बैंक में। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है शीला फॉर्म को। खबर आती हुई देखी कि कहीं ना कहीं इनके प्लांट बंद होने की बातें हो रही थी, अब कहीं ना कहीं उसको कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया, जिसके चलते आप देखिए इसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 2100 रुपये के लक्ष्य लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे और केवल 2015 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, खबरों के दर पर आपको खरीदना है ड्रेजिंग कॉर्प का काउंटर, क्योंकि भारतीय शिपयार्ड में ट्रेनिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर बनाने के लिए इस कंपनी ने कोचिन शिपयार्ड के साथ कहीं ना कहीं एक MOU साइन किया है, तो उसका बड़ा इंपैक्ट जो है आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा 371 के लक्ष्य के लिए, 354 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब हमारी अगली कैटेगरी है माई चॉइस की, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स में खरीदना है या बेचना है। तो आशीष, मेरे तो तीनों यहाँ पे बाय कॉल्स ही है, उसमें सबसे पहले और तीनों कॉल्स वो है जो कल से FNO में शामिल होने वाला है। अच्छा। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो भी काउंटर FNO में शामिल होता है उसमें एक दिन पहले यानी कि शामिल होने के पहले तेज़ी देखने मिलती है, हालांकि दूसरे दिन शायद गिरावट देखने आपको मिल भी जाए। इसके लिए पहला सिटी यूनियन बैंक है, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 170 के लक्ष्य के लिए 161 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है निपॉन लाइफ का, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 345 के लक्ष्य के लिए 330 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये भी FNO में शामिल हो रहा है। और वैसे भी AMC कंपनीज जो है उनमें काफ़ी अच्छी यहाँ बढ़त देखने मिल रही है, और लंबे समय के लिए भी ये काउंटर जो है अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। और आखिरी काउंटर है गुजरात गैस। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखने की सुझाव दिया है, 350 के लेवल के आसपास से वहाँ से 500 पहुँच चुका है। इंट्राडे में 510 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, 490 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, माई चॉइस में मेरे पास तीनों स्टॉक खरीदारी के, एक स्टॉक लंबी अवधि के लिहाज से भी है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। ये पहला स्टॉक होगा जहां पर आपको खरीदारी करनी है। पिछले 2 दिन से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत शानदार है, मैं मान रहा हूँ कि आज इंट्राडे बेसिस पर भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। 504 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, 474 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है जॉनसन कंट्रोल हिताची। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो लंबी अवधि यानी पोजिशनल तौर पर भी इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं,
केवल 6 से 9 महीने का समय देना है। इस स्टॉक में आपको 30 से 35% तक के रिटर्न यानी 3485 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सीमेंस इंडिया, इस स्टॉक में खरीदारी करनी है। पूरा स्पेस अगर आप देखें ना तो यहाँ पर बढ़िया अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सीमेंस जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं कि तेजी आ चुकी है, लेकिन और भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 1980 रुपये के लक्ष्य से खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस बेहद टाइट होगा करीब 1900 रुपये का। कैश का काउंटर है जीएनएफसी, जहां पे आपको खरीदारी करनी है। फ्यूचर्स में आईसीआईसीआई बैंक खरीदेगा। ऑप्शंस ओएनजीसी का मार्च का 115 रुपये का ऑप्शन खरीदेगा, कॉल ऑप्शन। टेक्निकली जस्ट डायल अच्छा लगता है, फंडामेंटली दीपक फर्टिलाइजर अच्छा लगता है। निवेश करना है एसबीआई कार्ड में 1300 के लेवल के लिए, खबरें ड्रेजिंग कॉप में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में सिटी यूनियन बैंक, निपॉन लाइफ और गुजरात गैस में खरीदारी करना है। और इनमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। टेक्निकली एक बेहतरीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, यहाँ से तेजी और बन सकती है। इंट्राडे में 660 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। तो चलिए, कैश का स्टॉक है आरसीएफ, एस्कॉट्स में एक बेरिश स्ट्रक्चर नेगेट हो सकता है, यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। बंदर बैंक 340 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, बड़े उछाल की उम्मीद है। हुडको बड़े सस्टेनेबल मूव के लिए तैयार हो रहा है, 63 रुपये के लक्ष्य लिए पोजिशनल व्यू बनाएंगे। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी है मॉइल और डीसीबी बैंक, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। शीला फोम में खबरों का असर देखने को मिलेगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पिछले 2 दिन से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आज भी एक कंटिन्यूशन मूव देखने को मिलेगा। 504 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे, पोजिशनल तौर पर खरीदेंगे। जॉनसन कंट्रोल हिताची, यहाँ पर 6 से 9 महीने का समय बनाएंगे तो करीब 30 से 35% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। सीमेंस में तेजी देखने को मिलेगी, 1980 रुपये के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है हुडको में, जिस तरीके से चार्ट का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूं एक सस्टेनेबल मूव देखने को मिलेगा। 63 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे। चले तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, लेकिन कल के ड्रामा के बाद आज क्या होगा ड्रामा? डेफिनेटली तो कल जिस हिसाब से देखने मिला कि मार्केट बंद हुए फिर खुले,